हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें एक्सेल में बेसिकली ये ट्रिक काम कैसे करती है। ट्रिक वैसे कुछ नहीं होता है, इसमें बेसिकली कोई भी चीज़ होती है हमारे पास, उसमें अगर आपको कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको मालूम नहीं हो, ट्रिकी होती है, और 100% लोगों में से अगर 80% उसे यूज़ ना करो तो वो भी आपके लिए एक ट्रिक ही है। ठीक है, तो बेसिकली कोई ट्रिक नहीं है, ये है एक्सेल का ही एक, हमारे पास एक एक्सेल का ही एक एक टूल है हमारे पास, जिसके थ्रू हम दो मल्टीपल, एक ही शीट की दो मल्टीपल, उसको दो अलग अलग उसमें वर्कबुक बन जाती है, उसकी रेप्लिका बन जाती है। ठीक है, बेसिकली आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे पास मेरे पास ये शीट है, ठीक है, इसमें मेरे पास एक शीट यहाँ पे ऐड है, और यहाँ पे मेरे पास 100 शीट्स हैं, बहुत सारी शीट्स हैं यहाँ पे। अब मेरे को जैसे सपोज़ यहाँ पे डेटा कंपेयर करना है मुझे, कि यहाँ पे सपोज़ दो शीट्स में हमारे पास डेटा कंपेयर करना है, इस तरह से शीट्स मेरे पास बहुत सारी हैं यहाँ पे। इस पर्टिकुलर शीट का डेटा मुझे यहाँ से मैच करना है, तो मैं ऐसे टोगल करता रहता हूँ, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। सपोज़ ग्राफ है, बहुत सी चीज़ हो सकती है। आप नॉर्मल यूज़ में अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं तो आपने देखा हो कि आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कि जिसमें आपको एक ही वर्कबुक के, नॉर्मली अगर दो वर्कबुक होती है तो ऑल टैप करके हम देख सकते हैं, ठीक है, और उसमें हम इजीली हम उसे चेक कर सकते हैं कि बेसिकली उसमें हुआ क्या है, फॉर्मूले में प्रॉब्लम है क्या है, कुछ भी, अगर हम देखना चाहते हैं जनरली, कुछ भी देखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक ही हमारी वर्कबुक है सपोज़, उसमें अलग अलग मल्टीपल टैब्स बने हुए हैं, उन टैब्स में से कोई एक टैब्स को हमको आपस में कंपेयर करना है, और उसमें सपोज़ प्रोटेक्टेड है शीट, हमें देखना है यार यहाँ पे वैल्यूज़ है ये किस तरह से, सपोज़ यहीं पे ले लेते हैं, देख मुझे देखना है ये प्रोटेक्टेड शीट है, मुझे लगना है कि यार यहाँ से ये वाली वैल्यूज़ कौन सी है, ग्राफ में इस तरह से हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऐसे है, पिवोट टेबल, सपोज़ कुछ भी हमारे पास फॉर्मूलेज लगे हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कि जैसे ये वाली शीट और ये वाली शीट अलग अलग एक वर्कबुक बन जाएंगी, एक टेम्प्रेरी, ठीक है, इसकी रेप्लिका बन जाएगी इस पूरी का। यहाँ पे देख रहे हैं आप, SCV के ऐसे नाम डाल दिया मैंने इसका, ठीक है। जैसे सपोज़ मुझे ये शीट और ये नॉर्मली एक वर्कबुक के रूप में, वर्कबुक के टाइप में दिखाना है, ठीक है। जैसे मैं देखिए होता कैसे, इसमें सपोज़ मुझे इस वाले टैब को और इस वाले टैब को कंपेयर करना है, फाइल वन को और फाइल टू को, तो मैं सिंपली व्यू में जाऊँगा, व्यू में जाने के बाद अरेंज ऑल में क्लिक करेंगे और वर्टिकल पे मैं क्लिक करके ओके कर दूँगा। कर दिया आपने ओके, फिर इसके बाद न्यू विंडोज़ आ गई, इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए जैसे विंडोज़ आ गई, ये टू हो गया, ये रेप्लिका बन गई है मेरे, इसकी वर्कबुक मेरी सेम है, कोई ऐसे नहीं है कि मेरी दो अलग अलग वर्कबुक है, वर्कबुक है उसको जैसे इस तरह से बन गई है। तो मैं यहाँ पे फाइल वन पे चले जाऊँगा और इस तरह से दोनों बन जाएंगे, या तो आप यहाँ पे चले जाइए, या व्यू में आता स्विच विंडोज़ में चले जाइए, देखिए वन टू करके दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, है हमारी एक ही वर्कबुक है, लेकिन ये ऐसा दिख रही है कि जैसे हमारे पास दो दो अलग अलग वर्कबुक है, ठीक है। मैं इसके जैसे यहाँ पे चले जाता हूँ, मेरे माउस में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, फाइल टू में चले गया, ठीक है। सपोज़ मैं एक फार्मूला सपोज़ लेट सपोज़ लगा देता हूँ, पहले मैं बंद कर देता हूँ इसे, ऐसे समझ में नहीं आएगा। किसी भी शीट को आप क्लोज़ कर देंगे तो आपकी, अभी आप वन दिख रहा है, यहाँ पे टू दिख रहा है ना, किसी भी शीट को आप क्लोज़ कर देंगे, देखिए हट गया, कोई अलग वर्कबुक नहीं बनी, शीट का एक रेप्लिका बन गया, एक डुप्लीकेट कॉपी बन गई है। आप किसी भी एक शीट को बंद करेंगे तो ओरिजिनल शीट तो आपकी रहेगी, ठीक है। सपोज़ मैं एक फार्मूला लगा लेता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ मैं फार्मूला, सम सम का फार्मूला लगा देता हूँ, और फाइल वन से मैं इन दोनों को कर दे, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, कलर कर देते हैं इसको रेड, रेड में कर देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये तो मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको बताने के लिए, कि बेसिकली ये कैसे काम करता है। मैं फाइल वन में गया, फाइल टू में भी रह सकते हैं, ठीक है, इन दोनों सेल्स को ले रखा, फाइल वन में G2 और G3, इन दोनों सेल को हमने लिया, इसको भी कर देते हैं हाईलाइट, इनको मैं कर देता हूँ, इनको रेड कर देता हूँ, ठीक है, बोल्ड कर देता हूँ। अब मैं इसको ऐसे व्यू में जाने के बाद, हाँ मुझे सपोज़ ये मुझे कंपेयर करनी है, तो मैंने छोटा सा डेटा बनाया, सपोज़ आपके पास मल्टीपल शीट्स पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा डेटा है आपके पास, अरेंज में जाऊँगा, वर्टिकल पर क्लिक करके फिर इसमें न्यू विंडोज़ पर क्लिक कर दूँगा, तो
तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी हमारी वर्कबुक की। फिर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके ऐसे ही रहने देते यार, ये मेरे माउस में प्रॉब्लम हो। चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, इस तरह से कर देता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 1 2 करके आ गया ना। मैं फाइल 1 में चले जाता हूँ, यहाँ से यहाँ पे इसमें चले जाता हूँ। रुक जाओ, इसको फाइल 1 यहाँ पे रहने देते हैं, इस वाले में चले जाते हैं हम। बेसिकली आज मेरे माउस में बड़े ना माउस में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई है। इस तरीके से चले जाते हैं, फाइल 2 में आ गए हम, यहाँ पे फाइल 1 में आ गए। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। आपने देखा होगा ना, मैंने एक ही शीट में लगाया था फॉर्मूला। मैं यहाँ पे इसे 100 कर देता हूँ। देखिए ज़्यादा हो गया ना, इसकी 9 कर देता हूँ। चलो इसे सिर्फ 9 देखिए, 7949 हो गया। इसको 10 कर देता हूँ। तो हमारी है तो एक ही वर्कबुक है, लेकिन इसमें एक दूसरी शीट ऐड हो गई है। ऐड भी नहीं हुई है, मतलब इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन गई है। उस कॉपी के थ्रू मैं दोनों शीट्स को कंपेयर कर सकता हूँ। ऐसे ही आप अपनी एक मल्टीपल शीट्स बना सकते हैं। सपोज़ ऐसे ही आपको अपना फार्मूला कैलकुलेट करना है, अपनी पिवोट टेबल चेक करनी है, कुछ भी करना है आपने, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी ट्रिक होती है और बहुत ही कन्वीनियंट होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि है तो मेरी एक ही वर्कबुक, एक है वर्कबुक होती है हमारी, जो ये पूरा लेआउट एक वर्कबुक है, लेकिन इसकी एक रेप्लिका बन गई है। रेप्लिका होता है एक डुप्लीकेट कॉपी। यहाँ पे मैं जैसे करूँगा 1010 हो गया, और किसी भी शीट को जाके एक ओपन करके आप बंद कर दीजिए। अभी 2 1 एक 1 और 2 करके दिख रहे हैं ना यहाँ पे आपको, 1 और 2 करके, किसी एक को भी बंद कर देंगे तो आपकी नॉर्मल वाली वाली फाइल आ जाएगी। और नॉर्मली मैं यहाँ पे जाके भी 10010 है, मैं इसे 20 कर देता हूँ, जो हम ऐसे करके देखते हैं। तो उसमें देखिए टाइम लग रहा है ना इधर से इधर आने में। अगर आपको बहुत बहुत सारा डेटा है तो उसे कंपेयर करने में भी आपका पूरा दिन लग जाएगा। तो ऐसे तरह की मैं आपको ट्रिक्स बताता रहूँगा कि किस तरह से आप बहुत ही ईजली और बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं एक्सेल में। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप एक कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।